आगे बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर जो कि संसद से जुड़ी हुई है। बदल गई है संसद की सुरक्षा, सीआरपीएफ की जगह सीआईएसएफ ने ले ली है, यानी कि सीआरपीएफ जो पहले सुरक्षा में तैनात नजर आती थी, सीआईएसएफ अब उस जिम्मेदारी को संभालती हुई नजर आएगी। सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ के 1400 जवान हटा दिए गए हैं। 13 दिसंबर को संसद सुरक्षा में चूक हुई थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। सीआईएसएफ के 3300 जवानों को संसद की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। 13 दिसंबर को हुई संसद की सुरक्षा में चूक मामले को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पर 13 दिसंबर की घटना के बाद सीआरपीएफ की जगह सीआईएसएफ ने ले ली है और सीआईएसएफ के 3300 जवान यहां तैनात दिखाई देने वाले हैं, जो कि संसद की सुरक्षा करेंगे, जबकि सीआरपीएफ के 1400 जवान ऐसे हैं जिन्हें इस ड्यूटी से हटा दिया गया है। ये बड़ी खबर संसद भवन की सुरक्षा को लेकर है। अब सुरक्षा और ज्यादा कड़ी नजर आएगी और ज्यादा सख्त बंदोबस्त नजर आएंगे, ताकि किसी भी तरह से सुरक्षा में किसी भी तरह से कोई चूक ना हो जाए, कहीं कोई खामी ना रह जाए। 13 दिसंबर की घटना के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। संसद की सुरक्षा में लगे 1400 से ज्यादा सीआरपीएफ कर्मचारियों के हटने के बाद सोमवार से इसकी पूरी जिम्मेदारी सीआईएसएफ ने संभाल ली है। इसके 3300 से ज्यादा कर्मियों ने इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने हाथों में ली है। आधिकारिक सूत्र ये बता रहे हैं कि संसद में तैनात रहे सीआरपीएफ के पार्लियामेंट्री ड्यूटी ग्रुप ने 17 मई को अपने 1400 जवानों को वापस बुला लिया है। साथ ही अपने सारे वाहन, हथियार और कमांडो भी वहां से हटा लिए हैं। सीआरपीएफ के कमांडर डीआईजी रैंक के अधिकारी ने संसद सुरक्षा से जुड़ी सारी जानकारी सीआईएसएफ को सौंप दी है। उन्होंने कहा कि पिछले साल 13 दिसंबर को सुरक्षा चूक की घटना के बाद सरकार ने सीआईएसएफ को सीआरपीएफ से सुरक्षा कार्यभार संभालने के लिए कहा। साल 2001 में संसद पर हुए आतंकवादी हमले की बरसी पर एक बड़ी सुरक्षा चूक हुई। 13 दिसंबर 2023 की घटना, शून्यकाल के दौरान दो व्यक्ति दर्शक दीर्घा में पहुंचे, लोकसभा कक्ष में कूद गए थे, उन्होंने एक स्मॉग वहां पर छोड़ा था जिससे अफरा तफरी मच गई थी। इन लोगों को सांसदों ने पकड़ लिया था। उस दिन लगभग उसी समय संसद परिसर के बाहर दो अन्य और लोग थे जिन्होंने नारे लगाते हुए कैन से रंगीन धुआं छोड़ा था। अब उस घटना के बाद से ही ये फैसला लिया गया है, सीआरपीएफ की जगह सीआईएसएफ को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। 3300 जवान सुरक्षा में मुस्तैद।